हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये गोल्ड जो BS6 डीजल वाली जो गाड़ी है ना, उसके जो वायरिंग डायग्राम है, उसका जो वायरिंग है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, EMS रिले के ऊपर मेरा वीडियो अभी बन रहा है, ठीक है भाई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो गया है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। और ये देखिए, अभी आपको कुछ दिखा दे रहा है, ताकि आज एक जो सिस्टम है वो कंप्लीट होने वाला है, तो थोड़ा सा आगे का भी बता दे रहा है। देखिए, जो बैटरी दिया है ना, बैटरी का जो ग्राउंड है वो 25 में दे दिया है, ठीक है, इस गोल्ड गाड़ी का। और जो बैटरी से जो पॉजिटिव निकल रहा है ना, वहां से देखिए, वहां से एक फ्यूज लगा के रखा है, और इस पे फ्यूज पे लिखा होगा EMS ACC इग्निशन, ठीक है। और ये 60 एम्पीयर का फ्यूज है, ठीक है। अभी हम पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब पे मेरा वीडियो बन चुका है, वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, उसके बाद से यहाँ से जो निकला है ना, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से 4 वो वायर निकला है यहाँ से, ठीक है। 60 एम्पीयर का जो फ्यूज है, यहाँ से 4 वायर निकला है। वो 4 वायर किस किस चीज का है, देखिए। ये जो दोनों वायर है ना, ये हो गया रिले, ठीक है। रिले का 4 पिन होता है, तो ये जो दोनों वायर ना, ये दोनों रिले में चला गया है, EMS रिले में, ठीक है। अब EMS रिले में दोनों वायर चला गया 30 में और 86 में। अब जैसे ही ये 85 में ग्राउंड देगा ECU, ये रिले क्या करता है, ये यहाँ से और 4 वायर निकालता है, ठीक है। ये 4 वायर निकालता है, और फिर चारों में 4 फ्यूज, ठीक है, चारों में 4 फ्यूज निकालेगा। और एक फ्यूज से जाता है एक ECU का एक वायर, ठीक है, ECU में जाता है। पहला फ्यूज से ECU में जाता है, दूसरा फ्यूज भी ECU में जाता है, लेकिन इसका 2 पिन में जाता है, ठीक है, 3 और 5 पिन में, ठीक है। और ये सब फ्यूज का नाम सब देख लीजिएगा, वायरिंग कलर कोड सब देख लीजिएगा। हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि उस वीडियो में आपको क्या क्या मिल जाएगा, उसका डिटेल्स जाकर उसमें देख लीजिएगा। और ये जो 3 नंबर जो वायर है ना, यहाँ से वायरिंग का कनेक्शन किया है 16 जगह, ठीक है। किस किस सेंसर में गया है, किस किस स्विच में गया है, ये सब जाकर के देख लीजिएगा, वो सब कैसे काम करता है, ठीक है। ये 16 जगह करंट गया है, तीसरा जो पिन है फ्यूज है वहां से, और जो चौथा जो फ्यूज है यहाँ से गया है 8 जगह, ठीक है। ये 16 जगह है, ये 8 जगह, ठीक है, ये 8 जगह है। तो ये सब जाकर के देख लीजिएगा, ये 16 जगह जो है वो भी उसमें वीडियो बन गया है, 8 जगह कहाँ कहाँ गया है उसमें वीडियो बन गया है। मतलब ये जितना भी चीज है ना, ये सब पे वीडियो बन चुका है, ठीक है। अब हम ये दोनों वायर को आज देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों वायर में कहाँ कहाँ से करंट जाता है, ये दोनों वायर से। तो देखिए, ये जो 2 वायर है ना, सबसे पहले इसका थोड़ा सा एकदम छोटा सा है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है एक फ्यूज लगा करके, फ्यूज का नाम होगा PTU का एक फ्यूज होगा, ठीक है, 10 एम्पीयर का। ये 10 एम्पीयर का फ्यूज होता है। और ये देखिए, ये जो वायर है ना, देखिए आपको हम थोड़ा सा एक चीज और बता दे रहे हैं, ये रेड कलर का वायर है, ठीक है। ये फ्यूज में 60 एम्पीयर का जो फ्यूज है, EMS ACC इग्निशन, इसमें इनपुट गया है रेड कलर का वायर, और बाहर निकला है इससे रेड पे येलो, ठीक है। ये सब रेड पे येलो, इस फ्यूज में भी इनपुट रेड पे येलो हो गया, ठीक है। और ये सब वायर भी रेड पे येलो, ये रेड पे येलो वाला का वायर, ठीक है। और इससे जो बाहर निकल रहा है ना, इससे बाहर निकल रहा है येलो पर ब्लैक कलर का वायर, ठीक है, येलो पर ब्लैक कलर का वायर। और ये जा रहा है, ये हो गया PTU का रिले, ठीक है, PTU का रिले में पिन नंबर 30 में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पिछला वीडियो दिखेगा ना, तो और ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि PTU का जो रिले है पिन नंबर 86, वहाँ करंट कहाँ से आता था, पिछला वीडियो देखिएगा तो वो मिल जाएगा। क्योंकि ये जो 16 जगह जो करंट गया है ना यहाँ से, तो इसी में से एक वायर 86 में आता है, ठीक है। तो और ये 87 और 85 कहाँ कहाँ गया है, जब हम PTU के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे, PTU कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, ये क्यों लगाया गया है, इसको ये अपडेट कैसे करता है, ये सारा कुछ जब बताएंगे ना बोर्ड पे भी और प्रैक्टिकल में भी, तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मेरा इस पर हम अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अभी वायरिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये जो था इसका क्लियर हो गया, ये जगह के यहाँ रुक गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक 40 एम्पीयर का फ्यूज लगाया है, ठीक है, यहाँ एक 40 एम्पीयर का फ्यूज मिलेगा, और फ्यूज का नाम होगा IGNSW इग्निशन स्विच 40 एम्पीयर का फ्यूज हुआ, ठीक है। और ये वायर का कलर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेड पे येलो कलर का वायर, रेड पे येलो, ठीक है। और बाहर जो निकला है वो रेड कलर का वायर निकला, ठीक है, इग्निशन स्विच में देखिएगा रेड कलर का वायर, तो ये चला गया है। देखिए, यहाँ से भी फिर 1 2 3 वो यहाँ से निकला है वायर, ठीक है, 3 वायर यहाँ से निकला है, एक चला गया है इग्निशन स्विच में, ठीक है, ये इग्निशन स्विच में चला गया, इग्निशन स्विच में, ठीक है, ये चला गया इग्निशन स्विच में। अब देखिए, इग्निशन स्विच में 3 वायर बाहर निकलता है आउटपुट, जब हम एक घाट ऑन करते हैं तो इस वायर में करंट आता है, तो ये वायर का कलर क्या होता है, ऑरेंज पे ब्लू कलर का वायर, ठीक है, ऑरेंज पे ब्लू कलर का वायर। और ये जो बीच वाला जो है, ये जैसे चाबी हम ऑन करते हैं ना, तो इसमें करंट जाता है, और चाबी ऑन करने से बहुत जगह करंट जाता है, ठीक है, तो यहाँ करंट जाता है, तो इसका कलर होता है येलो कलर का वायर। और ये जो स्टार्ट होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ करंट आता है, तो ये होता है ब्लैक कलर का वायर। अभी हम इसके बारे में इसको रोक दे रहा है, ठीक है, ये चाबी ऑन करने के बाद करंट जाता है, तो इसको रोक दे रहा है। ये 3 वायर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एकदम क्लियर करके, ठीक है। अभी हम जानते हैं, एक वायर का तो हो गया, इसे स्विच में जा रहा है, और ये दूसरा और तीसरा, क्योंकि 40 एम्पीयर के बाद से 3 वायर निकल रहा है, ठीक है। तो एक वायर जो है, ये देखिए, इसका हम इसको देख लेते हैं इस बार, ये एक फ्यूज लगा करके 10 एम्पीयर का, फ्यूज का नाम होगा SCR, ठीक है, SCR फ्यूज है 10 एम्पीयर का, और ये कहाँ गया है, SCR रिले में, ठीक है, ये SCR RLY, ठीक है, SCR रिले हो गया, SCR रिले का पिन नंबर 30 में चला गया, ठीक है। अब देखिए, SCR रिले का पिन नंबर 30 में गया है ना, इसी में से एक और वायर यहाँ पिन नंबर 86 में भी कैसे कैसे होकर आता है, आप देखिएगा, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं वायरिंग बता रहा हूँ एकदम बैटरी से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी
चार वायर ठीक है, वायर निकला हुआ है ठीक है, एक और 7 एम्पीयर का फ्यूज है, एक 400 एम्पीयर का फ्यूज है ठीक है, और एक 7 एम्पीयर का फ्यूज है ठीक है। तो ये अभी 3 वायर को इसलिए रोक दिया हूँ ताकि इसको हम क्लियर कर देंगे, ये फ्यूज कट जाएगा तो कितना सामने में यहाँ से देखिए, जैसे ये हो गया पेड़ ठीक है, ये उसका डाल हो गया, फिर ये उसका साख हो गया, ये उसका पत्ता हो गया, ऐसे करके ठीक है। तो ये फ्यूज का पहले मैं पूरा सिस्टम बता दूंगा कि ये फ्यूज से कहाँ कहाँ कैसे कैसे करंट जाता है ओके। तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट इस वायर पे आएंगे ठीक है। तो अभी देखिए ये हो गया, ये जा रहा है एसी रिले का पिन नंबर 30 में ठीक है, पिन नंबर 30 में चला गया। अब देखिए अब रह गया ये वाला वायर जो है 4-5 जगह करंट लेकर के जाता है ठीक है। तो इसका लिए भी एक फ्यूज लगा के रखा है, फ्यूज का नाम होगा ECU बी बैटरी BAT बैटरी और DIAG यानी डायग्नोस्टिक कनेक्टर का ठीक है, GPS और ICB है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ठीक है। और ये है 5 एम्पीयर का फ्यूज ठीक है। देखिए इसमें कितना चीज लगा हुआ है ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है, GPS का है और DG जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर हम करते हैं उसका भी है, और जिसमें लैपटॉप लगाया जाता है उसमें भी यहाँ से लगाया जाता है, वो देख लीजिएगा अभी आपको दिखा दे रहा है। अब देखिए यहाँ से भी फिर 4 वायर निकला है, 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ जाता है वो देख लीजिए। देखिए ECU में 2 कनेक्टर लगा हुआ है ठीक है, ECU का 2 कनेक्टर है, एक का नाम है K और एक का नाम है A ठीक है, A कनेक्टर और K कनेक्टर। तो ये वाला जो है ना ये K कनेक्टर का पिन नंबर 18 में दिया ठीक है, वो डायरेक्ट बैटरी सप्लाई ठीक है, वो हम अभी हम दिखा देंगे कैसे ये बैटरी सप्लाई होता है ठीक है, ये बस थोड़ा सा ये दिखा दें उसके बाद से वो हम बताएंगे। अब देखिए ये दूसरा जो है ये IN इंस्ट्रूमेंट CL क्लस्टर ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी बैटरी सप्लाई है, ये पिन नंबर 32 पिन नंबर 32 में जाता है ठीक है, पिन नंबर था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव ये पिन नंबर 32 में जाता है ठीक है, वो बैटरी का डायरेक्ट कैसे हो रहा है वो भी हम दिखा देंगे अभी बता दे रहा है। और देखिए और ये VTS व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ठीक है, इस गोल्ड गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम किसी में नहीं दिया है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में उसका वायरिंग दे दिया है ठीक है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जिसमें लगा होगा उसका वायरिंग कैसा होगा ठीक है। तो VTS का जो बैटरी जो सप्लाई है वो जाता है पिन नंबर 1, 8 और 9 ठीक है। अब देखिए इसमें 2 टाइप का आया है, एक बड़ा वाला ट्रेकर है VTS है और एक छोटा वाला है, तो VTS छोटा और बड़ा ठीक है 2 टाइप का है, तो उसमें भी छोटा वाला में भी 8 और 9 1, 8 और 9 तीनों पिन में जाता है डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव ओके। अब देखिए अब यहाँ से एक और जो वायर गया है वो गया है जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर ठीक है, जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर जिसमें हम लोग लैपटॉप लगाते हैं ना उसका पिन नंबर 16 में देखिएगा जो वायर जो करंट जाता है वो डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव होता है ओके। अब देखिए अब ये सब कलर का ये सब वायर का कलर क्या होगा, रेड पर ब्लैक कलर का वायर होगा ठीक है। देखिएगा डिजिटल जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर का पिन नंबर 16 में रेड पर ब्लैक कलर का ही वायर होगा ठीक है, ये के 18 नंबर पिन में रेड पर ब्लैक कलर का ही वायर होगा। अब देखिए अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब देखिए अब क्या सिस्टम है, ये डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव है ओके, ये गया फ्यूज में ठीक है, ये अभी भी ये डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव है ये सब ओके, ये डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव है ओके। अब देखिए यहाँ तक डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव है, ये सब ये भी डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव है, लेकिन ये जाकर के यहाँ रुक गया ठीक है, अब ये रिले काम करेगा ना तब यहाँ से करंट निकलेगा ओके, ये यहाँ पे जाकर रुक गया।